हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बहन बेटी स्वावलंबन योजना के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, बहन बेटी स्वावलंबन योजना एक नया योजना आ चुका है महिलाओं के लिए खास करके। और इसमें दोस्तों प्रत्येक महीना 1,000 रुपये करके महिलाओं को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहन बेटी स्वावलंबन योजना कब से आवेदन शुरू हो रहा है और इसके लिए ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कब से दोस्तों आपको 1,000 रुपये महीना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि बहन बेटी स्वावलंबन योजना में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कब से आवेदन हो रहा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस योजना का लाभ जो है कौन ले सकता है, ठीक है, और इसे आवेदन कब से होगा। मैं आपको बता दूं कि आवेदन झारखंड राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आवेदक जो हैं झारखंड राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। दूसरे नंबर में अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आवेदक की आयु 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होगा तभी दोस्तों आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इसके बाद पहले से ही किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ अगर प्राप्त कर रहे हैं तो उस टाइप के महिलाओं को ये इसका पात्र नहीं माना जाएगा। अगर पहले से पेंशन मिल रहा है किसी भी प्रकार का पेंशन, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। महिला के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी महिला का परिवार का जो सदस्य है वो दोस्तों इनकम टैक्स जो होता है वो नहीं भरना चाहिए, तभी दोस्तों इसका लाभ ले पाएंगे। आवेदक महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी का नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी सरकारी नौकरी में है तो फिर आपको पता होगा कि इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद बैंक खाता पासबुक और जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर। यहाँ पर अगर हम बात करें आयु प्रमाण पत्र की, तो फ्रेंड्स अगर आपके आधार कार्ड में फुल डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो वो आधार कार्ड में आयु प्रमाण पत्र के रूप में आप वो दर्शा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जल्दी से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। अब हम बात करते हैं कि बहन बेटी का जो स्वावलंबन योजना है, इस योजना का जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री बहन बेटी माई क्वी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन तथा इसके तहत इच्छाधन हेतु लाभार्थियों के पहचान संबंधी जानकारी, सूचनाओं के संग्रहण, प्रविष्टियां सत्यापन आदि हेतु CSCE गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड का झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को स्थित करते हुए मनोनीत की स्वीकृति दी गई है। तो दोस्तों अभी आप कंफर्म हो जाइए कि बहन बेटी स्वावलंबन योजना जो है इसे दोस्तों ऑनलाइन भरा जाएगा। कब से स्टार्ट होगा इसकी अभी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं जल्द से जल्द आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें बताऊंगा कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं या कहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। लेकिन दोस्तों कंफर्म है कि CSE के द्वारा ही ये आवेदन किया जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले। तो सभी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहन बेटी स्वावलंबन योजना का लाभ सब ले सकें जिनका भी उम्र 25 साल से 50 साल के भीतर है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।